हेलो गाइज, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे एक बहुत ही सॉलिड मैच की, बर्मिंघम फोनिक्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में जो मैच होने वाला है। ये गाइज मैच होगा, दोनों ही टीम्स ऐसी हैं जो अभी इस सीज़न एक एक मैच खेली हैं और दोनों ही जीत के आ रही हैं। तो शुरू करते हैं, काफ़ी सारी वैल्यू गाइज इस वीडियो में आपको मिलेगी, हेड टू हेड स्पेशल से लेके इस वेन्यू के ऊपर कौन स्पेशल रहता है सारी वैल्यू आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल सुनिएगा वीडियो को एंड तक। शुरू करते हैं गाइज यहाँ से, तो गाइज मैच की टाइमिंग रहेगी 7:30 बजे, यानी 7 बजे टॉस होगा। ध्यान रखिएगा वेन्यू गाइज इसका कौन सा रहेगा, एडबगेस्टन बर्मिंघम। ये कौन सा वेन्यू है गाइज, यहाँ पर गोल्ड मेडल मैच हुआ था इंडिया वेमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वेमेंस के बीच में 7 अगस्त को, आप सबको याद होगा इंडिया वेमेंस ने सिल्वर जीता था उसमें। बात करें गाइज जनरल वेन्यू रिपोर्ट क्या कहती है कि यहाँ पर जो है बैटर्स को एडवांटेज होती है, स्पेशली जो टीम टॉस जीतती है उसको यहाँ पर बैटिंग चूज़ करती है वो, और जो यहाँ पर सेकंड इनिंग्स में है बैटिंग इजी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं देखा था हमने उस दिन, जब इजी हो जाती है चलो ये बात भी मानते हैं, इजी थी जब हरमनप्रीत कौर खेल रही थी तो इजी थी, और उनके साथ जैमिमा और रिचभ दोनों की पार्टनरशिप थी तो काफ़ी ईजी थी, अच्छे चौके बाउंड्रीज खूब सारी जा रही थी। लेकिन फिर वो एंड में इंडिया का ऐसा कोलैप्स हुआ कि 34 रन पे ऑलमोस्ट 8 विकेट इंडिया के चले गए। तो वही वेन्यू है ये, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो सबसे पहले देखो, जब ये वाला लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था 7 अगस्त को, आज फ्रेश पिच देखने मिलेगी, उस दिन भी फ्रेश ही होगी। यहाँ पर गाइस हुआ क्या था, 161 का टारगेट दिया गया था 8 विकेट के नुकसान पर, विकेट पहली पारी में भी गिरे थे लेकिन रन भी भरे थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी पारी में गाइस 152 पे ऑल आउट हो गई थी टीम। तो यहाँ पर गाइस हमें क्या देखने मिला था, पहली पारी में 2 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर्स को, राइट आर्म ऑफ्रिक्स स्पिनर को 3 विकेट मिले थे और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 विकेट मिला था। यानी कह सकते हैं स्पिनर्स थोड़े से आगे थे, 4 विकेट मिले थे, और पेसर्स को 2 विकेट पहली पारी में। वहीं दूसरी पारी में आप देखें तो 4 विकेट यहाँ पर फिर से स्पिनर्स को मिले थे, 3 विकेट राइट आर्म ऑफ्रिक को और 1 विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, और यहाँ से 3 विकेट मिले थे राइट आर्म पेसर्स को। तो कह सकते हैं कि इक्वल बैलेंस था, पेसर्स आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही आपके लिए जो है फास्ट बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें गाइस यहाँ से पॉइंट्स टेबल की, तो आप सबसे पहले देखिए इस सीज़न दोनों ही टीम एक एक मैच खेली और एक एक जीत के आ रही है अपना, तो काफ़ी टेम्परामेंट जो है टीम्स का काफ़ी हाई होगा। बात करें लास्ट ईयर की तो बर्मिंघम फोनिक्स ने गाइस 8 मैच खेले थे जिसमें सिर्फ 4 जीते थे, वहीं गाइस यहाँ से ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने 8 मैच खेले थे जिसमें से 3 मैच जीते थे। बात करते हैं गाइस स्क्वाड की, तो सबसे पहले स्क्वाड आप यहाँ पे एक बार नज़र मार लीजिए बर्मिंघम फोनिक्स की तरफ से, गाइस ये इनका पूरा स्क्वाड है, आप इनका फॉर्म भी देख सकते हो किस तरीके से बैटिंग बॉलिंग करते हैं, ठीक है। बात करते हैं गाइस यहाँ से ट्रेंट रॉकेट्स की, तो ये इनका फॉर्म देख सकते हो, नैटालिया सिवा लास्ट मैच में नहीं थी, हो सकता है आज के मैच में खेलें, मैक्सिमम चांसेस हैं इनके खेलने के। यहाँ से गाइस एलिसा विलानी ने कैप्टनसी करी थी उस मैच में, एलिसा विलानी हाईली टैलेंटेड प्लेयर, जैसा आप लोगों को बताया है काफ़ी बार, अपनी टीम्स को जो है फ्रेंचाइजी क्रिकेट्स में काफ़ी बार ट्रॉफीज जिता चुकी हैं सिंगल हैंडेडली। बात करते हैं इस प्लेइंग 11 की, प्लस लास्ट मैच का स्कोर कार्ड भी हम देख लेते हैं किस कैसा फॉर्म है इनका मोस्ट रिसेंट 100s में। सोफ़ी डिवाइन ओपन करती है वेलन जोन्स के साथ, तो सोफ़ी डिवाइन ने लास्ट मैच में 48 किया था पहली पारी में। अच्छा, दोनों ही टीम पहली पारी में बैटिंग करके आ रही है, 1 विकेट दिया था दूसरी पारी में सोफ़ी डिवाइन ने, एवेलिन जोन्स ने 1 रन किया था। हालांकि गाइस मेरी एडवाइस बिल्कुल सुनना, अच्छी खासी प्लेयर है, बैटिंग से आपको 30, 40, 50 कभी भी आराम से करके दे सकती हैं। एमी जोन्स का भी सेम है, अच्छी खासी हिटर है और ये बैटिंग पोजीशन जो है इनकी बहुत सूट करती है, उस मैच में अनलकीली आउट हो गई थी। एलिसा पेरी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लास्ट मैच में गाइस ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद खेल रही थी, फिर भी 58 रन यहाँ पर बना के गई थी जस्ट ऑफ 25 डिलीवरीज। सोफ़ी मोनोनिक्स अच्छा कर रही थी, 7 दिया एलिसा पेरी का, 29 नॉट आउट, बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। एसी वॉन्ग 0 पे गई थी, एमिली आलोट ने 12 नॉट आउट किया था, यहाँ से जॉर्जी एल्विस ने 2 विकेट निकाले थे दूसरी पारी में, अफ्ताह मकसूद ने 1 विकेट निकाला था। ये इनका बिल्कुल रिसेंट फॉर्म और ये था लास्ट मैच का प्लेइंग 11। बात करें गाइस ट्रेंट रॉकेट्स की, तो यहाँ से आप देख सकते हो ब्रियोनी स्मिथ ने ओपन करा था एलिसा विलानी के साथ, 16 किया था ब्रियोनी स्मिथ ने, 1 विकेट लिया था दूसरी पारी में, अच्छी प्लेयर है ये भी, टैलेंटेड है एलिसा विलानी गाइस, जैसा अभी ऊपर आपको बताया हाईली टैलेंटेड है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की भी ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग से लेकर ग्रैंड लीग तक हो सकती है। मैरी कैली का इस वेन्यू के ऊपर ओवरऑल अच्छा खासा रोल है, और जैसा मैंने कहा था विद द बैट स्पेशल हो सकती है, लास्ट मैच में नहीं रही लेकिन आज के मैच में हो सकती है।
मेगन डूब्रीज कुछ समय से मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ फॉर्म है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका की अच्छी खासी हिटर है डाउन द ऑर्डर। एबिगल फ्रीबोन ने अच्छा किया था 45 नॉट आउट, प्लस हेड टू हेड में भी इन्हें अच्छा किया, आगे आपको बताऊँगा। यहाँ से गाइस कैथरीन ब्रेंड ने 13 किया था, एलेना किंग ने 19 किया, 4 विकेट लिए सॉरी इसके द हंड्रेड्स के पहले 4 विकेट जो है वेमेंस क्रिकेट में इन्होंने ही लिए थे दूसरी पारी में। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, हाईली टैलेंटेड। सारा ग्लेन ने 2 विकेट लिए थे दूसरी पारी में और यहाँ से कैथरीन ब्राइस ने 2 विकेट लिए थे। तो ये था इनका पूरा प्लेइंग 11, आप देख सकते हो। बात करें गाइज हेड टू हेड, जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो कौन से प्लेयर स्पेशल रहते हैं। क्रिस्टी जॉर्डन गाइज, इनको इसीलिए मैंने अपनी टीम में लास्ट मैच में लिया था, हालांकि विकेटलेस गई थी। 3 विकेट निकाले इस टीम के अगेंस्ट पहली पारी में और 1 विकेट निकाला है पहली पारी में। फ्रीबॉर्न ने इस टीम के अगेंस्ट गाइज 30 किया है। कैथरीन ब्राइस ने 1 विकेट लिया दूसरी पारी में, कैथरीन ब्रंट ने 2 विकेट लिए दूसरी पारी में, इसी वॉन्ग ने 27 विद द बैट किया, एमी आलोड ने 22 किया पहली पारी में और 1 विकेट भी निकाला पहली पारी में दूसरे मैच में। नेट सीवन ने 2 मैच में 44 रन किए हैं इस टीम के अगेंस्ट। ब्रायोनी स्मिथ ने 38 किया है हेड टू हेड में। जॉर्जी एल्विस ने 2 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में पहली पारी में। सारा ग्लेन ने भी 2 विकेट लिए हुए हैं पहली पारी में। तो ये गाइस कुछ प्लेयर्स हैं हेड टू हेड के जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी कंसिडर कर सकते हो अपने लीग्स के अकॉर्डिंग। बात करें इस वेन्यू की, तो जब बर्मिंघम के एडबगेस्टन गार्डन पे मैच होता है तो किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है। सोफी डिवाइन ने यहाँ पर 53 किया, 48 किया, 24 किया, 1 किया पहली पारी में। दूसरी पारी में 51 नॉट आउट रही, 38 नॉट आउट रही विद द बॉल। देखो 2 मैच में 4 विकेट पहली पारी में, 4 मैच में 4 विकेट दूसरी पारी में, 2 मैच यहाँ पर ये भी विकेटलेस रही हैं। वेलेन जोन्स की बात करें तो विद द बैट 47 किया, 27 किया, 2 किया, 0 किया पहली पारी में, दूसरी पारी में 52 नॉट आउट, 25 17। एमी जोन्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस वेन्यू के ऊपर। पहली पारी में देखो 36 6 1 80, 36 नॉट आउट, 26। दूसरी पारी में 6 नॉट आउट, 1 8 नॉट आउट, 3 18 नॉट आउट और 31। ये गाइस मोस्टली नॉट आउट क्यों रही है, बिकॉज ये जब इंग्लैंड के लिए खेलती हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो है 6 डाउन आता है। यहाँ से गाइस दीप्ति शर्मा की बात करें, शर्मा जी पहले मैच में नहीं खेली थी, स्टैंड्स में हमको देखी थी, आज के मैच में खेल सकती हैं। 6 मैच में 98 रन है इस वेन्यू के ऊपर, 5 विकेट हैं और 2 मैच यहाँ पर विकेटलेस भी गए हैं। बात करें इसी वॉन्ग की, 11 मैच में 6 विकेट है, 5 मैच यहाँ पर गाइस विकेटलेस भी गई हुई हैं और यहाँ पर 50 रन विद द बैट किया हुआ है। एमिली आलोट 6 मैच में 7 विकेट है, 1 मैच विकेटलेस रही है। जॉर्जी एल्विस 6 मैच में 33 रन है, 5 विकेट है, 3 मैच यहाँ पर ये भी विकेटलेस रही हैं। बात करें ग्वेनन डेविस की, तो 7 मैच में 18 रन है केवल और 0 विकेट, तो कोई खास इनका स्टैट है नहीं इस वेन्यू के ऊपर। क्रिस्टी जॉर्डन अच्छा खासा स्टैट है, कोई भी मैच विकेटलेस नहीं गई है। पहली पारी में 3 मैच में 6 विकेट निकाले, 2 मैच में 3 विकेट निकाले दूसरी पारी में। अब आप समझ सकते हो ये मेरी टीम में क्यों थी लास्ट में। हेड टू हेड में भी इनका काफ़ी अच्छा है, वेन्यू पर भी अच्छा है और ओवरऑल अच्छा ही करती हैं। अब्ताह मकसूद की बात करें, 3 मैच में 5 विकेट है, 2 मैच विकेटलेस गई हैं इस वेन्यू के ऊपर। ब्रायोनी स्मिथ ने दोनों ही बार पहली पारी में बैटिंग की है, 38 किया फिर 15 किया और दोनों ही सॉरी दूसरी पारी में जब बॉलिंग की तो विकेटलेस गई हैं। नेट सीवर ने इस वेन्यू के ऊपर गाइस देखो 22 किया, 27 किया, 12 किया, 14 किया, दूसरी पारी में गाइस 41 किया, 17 ऑफ है 7 नॉट आउट। तो कुछ बड़ी पारी तो यहाँ पर नहीं खेली है नेट सीवर ने, लेकिन हाईली टैलेंटेड प्लेयर हैं गाइस, एक लेजेंडरी प्लेयर है। 7 मैच में 4 विकेट है, 3 मैच यहाँ पर इस वेन्यू पे विकेटलेस भी गई हैं। बात करें गाइस यहाँ से फ्रीबॉर्न की, तो 27 किया, 3 किया और 8 दूसरी पारी में किया है। कैथरीन ब्रंट ने 7 मैच में 53 रन है, 8 विकेट है, 1 मैच विकेटलेस गई थी। ब्रंट भी गाइस हाईली टैलेंटेड लेजेंडरी प्लेयर है। कैथरीन ब्राइस 1 मैच में यहाँ पर विकेटलेस गई थी। मैरी केली ने इस वेन्यू पर अच्छा किया है, 46 किया, 36 किया, हेड टू हेड में भी अच्छा किया, तो एक अच्छी खासी ऑप्शन हो सकती है, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी ग्रैंड लीग में कंसिडर कर सकते हो। मेगन डूब्रीज आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन कह सकते हैं कि भाई देखो जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी अपने फॉर्म में वापसी आ सकते हैं। 26 किया, 3 किया, 1 किया। ये गाइस कुछ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वेन्यू और हेड टू हेड स्पेशल्स बता दिए हैं। लास्ट मैच का बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म भी क्या था प्लेयर्स का वो भी आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप गाइस आपको वैल्यूएबल लगी हो वीडियो। अगर आपको लगी हो तो गाइस मैच के बाद आपका जो भी रिजल्ट हो, आप जो भी एडवाइस मेरी फॉलो करोगे वो कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं गाइस यहाँ से कुछ अच्छे पिक्स कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, तो हम पहले प्लेइंग 11 की तरफ देख लेते हैं। सोफी डिवॉन बाय डिफॉल्ट अच्छी खासी ऑप्शन, लेजेंडरी प्लेयर हैं, हिटिंग करना जानती हैं अच्छी खासी किसी भी सिचुएशन में और यहाँ से वेन्यू पे भी अच्छा खासा दबदबा है। वेलिन जोन्स जैसा मैंने बताया बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टनसी दीजिएगा, एमी जोन्स को ग्रैंड लीग में दीजिएगा। एलिसा पेरी नो डाउट पहला मैच था, बॉलिंग नहीं करी इन्होंने, मैं एज अ ऑलराउंडर ही इनको कैप्टन दिया था,
बॉलिंग नहीं करी लेकिन बैटिंग से अच्छा कर गई। इंजरी के बाद आ रही थी तो हो सकता है इस वजह से बॉलिंग नहीं करी हो, लेकिन बैटिंग से मोर देन सफिशिएंट करके गई थी। इसी वॉन्ग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी, सोफी मोलोनिक्स को भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी, स्मॉल लीग में रख जरूर लेना। जॉर्जी एल्विस विद द बैट भी ये अच्छी खासी पारियाँ खेल जाती हैं। बस इनका बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है। क्रिस्टी जॉर्जन मस्ट हैव स्मॉल लीग में रखना, कैप्टन वाइस कैप्टनसी ग्रैंड लीग में देना। अब तो मकसूद को भी ग्रैंड लीग में एक आठ टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। बात करें यहाँ से ट्रेंड की तरफ से तो ब्रियोनी स्मिथ मस्ट हैव स्मॉल लीग में भी रखना और कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में, बिकॉज बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। ओवरऑल मैंने इनको देखा है, अभी आपने खुद देखा होगा, अपन भी काफ़ी सारी सीरीज़ खेलते हैं। एलिसा विलानी स्मॉल लीग में कैप्टनसी दे सकते हो, ग्रैंड लीग में भी दे सकते हो। मैरी केली को ग्रैंड लीग में देना सिर्फ, विगन डुप्रेस को सिर्फ ग्रैंड लीग में देना। फ्रीबॉन को एक आठ टीम में ट्राई कर सकते हो, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो सकता है तो हो सकता है, जैसे सोफिया स्मॉल ने दो मैच में लगातार दो दो विकेट निकाले हैं अभी इस सीज़न, फ्रीबॉन फिर से बैटिंग से हिटिंग कर जाए। कैथरीन ब्रंट स्मॉल लीग में वाइस कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन, बैटिंग भी कर जाएंगी, ठीक है। एलेना किंग को कैप्टन वाइस कैप्टनसी देना नहीं देना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से कई वेन्यू पे देखो स्पिनर्स को मदद मिली है, तो सारा ग्लेन एलेना किंग नो डाउट आपके लिए अच्छी खासी ऑप्शंस रहेंगी, ठीक है। कैथरीन ब्राइस स्मॉल लीग में भी आप रख सकते हो, पॉइंट का काम करेंगी। मैंने गाइस फर्स्ट जो मैच था उसमें कितने सारे बॉलर्स रखे थे आप सबको याद होगा, अगर कैथरीन ब्राइस को कॉम्प्रोमाइज़ किया था उस मैच में और यही दो विकेट निकाल के गई थी, तो वही बात है, रख सकते हो ब्राइस को, बैटिंग भी कर लेती हैं, ठीक है। सोफी मुनरो, जॉर्जिया डेविस, ये सब गाइस ग्रैंड लीग के आपके पिक होंगे। बाकी गाइस और जो अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन वो आप खुद फिल्टर कर सकते हो यहाँ से, कौन स्पेशल है, ठीक है। वेन्यू स्टेट्स देख सकते हो, वेन्यू पे कौन स्पेशल रहा है, कौन सी पारी में रहा है, पहली में दूसरी में, उसके हिसाब से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो रिजल्ट ज़रूर बताना, जैसा मैंने आपको बोला है रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। और गाइस टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @BATT फैमिली आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। भाई गाइस हम एक छोटी सी प्राइम सर्विस चलाते हैं, अगर आपको हर मैच की कंप्लीट टीम चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम @BATT फैमिली के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।